हेलो प्यारे दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत मैं करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल बात के साथ। मुझे वार्म बात अच्छा लगता है और बात लेते समय मुझे मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पे अराउंड 10-15 मिनट्स मेडिटेट भी कर लूँगी। उसके बाद हम लोग आउटफिट ऑफ द डे चूज़ करेंगे ताकि मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ, पुट टुगेदर और दिन के लिए तैयार हो जाऊँ। देन बारी आती है नन्ना सा मेकअप करने के लिए। यूजली मैं जाती हूँ 5 मिनट मेकअप करने के लिए और हज़ारों घंटे स्पेंड कर देती हूँ वहाँ पे। पर यहाँ पे मैंने अराउंड 10-15 मिनट्स मेरे मेकअप पे स्पेंड किए। अब बारी आती है नीचे जाने की। इस समय मैं अपने प्लांट्स के साथ समय स्पेंड करूँगी, क्लीन करूँगी, पानी दूँगी, पानी देती हूँ या पानी ड्रिसल करती हूँ उसके ऊपर, इनके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली चीज़ है मैं पीऊँगी चाय का कप। चाय का कप पीते समय मुझे साइलेंट अच्छा लगता है, पीस। यूजली मैं बाहर की तरफ देखते हुए चाय पीती हूँ और अपने आप के साथ समय स्पेंड करती हूँ, क्योंकि सम टाइम दिन में हमें हमारे साथ भी समय स्पेंड करना चाहिए। जब हम साइलेंट में अपने साथ समय स्पेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, हम हमारे थाट्स के साथ रहते हैं। बहुत अच्छा फीलिंग है, क्योंकि जितना शोर होता है हमारे पास आसपास घर में टीवी का, हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर से हम कैसे चीज़ें फील करते हैं। जब आप साइलेंट में अपने साथ समय स्पेंड करते हो ना, तो आपको रियली बहुत अच्छा फील होता है और पता चलता है कि आप कैसे इंसान हैं। और आई गेस ये आपको पीसफुल बनाने में हेल्प करता है, पॉजिटिव रहने में। दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की व्लॉग वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज का आपने मेरी दिन की शुरुआत तो ऑलरेडी देख ली है, जो कि बहुत काम, पीसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा बॉडी को रिजुवेनेट करने वाली थी। बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे रिचुअल के साथ मेरा दिन शुरू करती हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ और कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। मेरे वीकली टाइम टेबल के हिसाब से आज मेरा दिन है घर की सफाई करने का, पर बिकेज मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करती रही हूँ तो आज मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत है, वो मैं करूँगी। और दूसरा है कि मैंने लॉन्ड्री को ऑर्गेनाइज़ करके ऊपर तो पहुँचा दिया है, पर अभी मैंने क्लॉजेट में नहीं रखा है। और वैसे भी घर में हर जगह जहाँ पर भी आप जा रहे हैं कपड़े मिल रहे हैं आपको, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना है मेरा आज काम। देन मुझे मेरा ऑफिस वर्क करना है और वीडियो एडिट करना भी शुरू करना है। और डिनर के लिए आज मैं चिकन कुक करना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी करते समय मैं चिकन लेके आई थी और अभी तक मैंने कुक नहीं किया है। अगर मैं उसे कुक नहीं करूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा, सो उसे कुक करूँगी मैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैंने बात लिया था तब मैंने मेडिटेशन भी की थी अराउंड 25 मिनट्स, तो बहुत 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 मज़ेदार था। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं और अपनी लाइफ में अनहैप्पी रहते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कितनी सारी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो माइंड से रिलेटेड स्पेशली, तो मेडिटेट ज़रूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें गाइडेड मेडिटेशन, 20 मिनट्स 15 मिनट्स 10 मिनट्स 2 मिनट्स, जितनी देर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर करें, आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। मैंने मेरे बालों को धोया था आज, तो इसलिए वो ऐसे लग रहे हैं, और मैं इनको स्टाइल कर लूँगी शाम होते होते। और मैंने हमारी टीवी पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा फायरप्लेस लगाया है, और इसकी जो आवाज़ है कितनी मज़ेदार है, लाइक लकड़ियों के जलने की क्रिक क्रिक, बहुत मज़ेदार लग रही है मुझे। इसको लगा रहने दूंगी और मैं क्लीनिंग के प्रोसेस से जारी करती हूँ। देन मुझे कुछ खाना भी है, खाने के लिए भी मैं नन्ना सा खाऊँगी, क्योंकि थोड़ी फास्टिंग कर रही हूँ मैं पतले होने के लिए। लुक एट दीज बुक्स, ये पिद्दियाँ दोनों ना बुक्स पढ़ रही हैं आज सोने से पहले। हस्बैंड सेपियंस पढ़ रहे हैं, 2-4 पेज तो लगता पढ़ लिए है। कपड़ों को मैनेज करें, लुक एट दिस कपड़े, लुक एट दिस कपड़े, कपड़े कपड़े एवरीवेयर, कपड़े कपड़े, सो मेनी कपड़े। और ये बेचारे तय किए हुए हैं, इनको गाने लगाना।
कपड़े हैं धोने के लिए और ये जाएंगे डाउन स्टेयर्स। तो मैंने बालों को कंघी कर लिया है और उनकी हालत होगी कुछ ऐसी। और अब बारी आती है मेरे बालों को स्टाइल करने के लिए। बालों को स्टाइल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है, क्योंकि उसके बाद हिम्मत आ जाएगा और वैसे भी मुझे 15-20 मिनट ही लगेंगे और मेरे बाल हो जाएंगे स्टाइल हफ्ते के लिए या 5-6 दिन के लिए सेट हो जाएगा काम। सो मैं जल्दी से स्टाइल करने के बाद आपको मिलती हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं मैं अपने बालों को कैसे स्टाइल करती हूँ, वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, देख लें। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। सो बालों को मैंने कर लिया है स्टाइल। मैंने टाइम को नोट किया था, मैंने बालों को स्टाइल करना शुरू किया था 31 पे और अभी हुए हैं 47 हुए हैं। सो मतलब मैंने 16 मिनट्स में मेरे बालों को स्टाइल कर लिया है। ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे बालों को वेव करने में लगे हैं 16 सेकंड्स। कितना कम समय लगा, मैन आई एम सो इम्प्रेस्ड। ओह डरी है, गवांडिया ना कुत्ता पॉन्ग करने में रोंदा पे बेचारा। तो 16 सेकंड लगे मुझे बालों को स्टाइल करने के लिए। ये चलेंगे अराउंड 5-6 दिन जब तक मैं बालों को वॉश नहीं करूंगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं मैं कैसे स्टाइल करती हूँ, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। मुझे लगता है कि जब मेरे बाल स्टाइल करके डन होगा तो हिम्मत को लाने का समय हो जाएगा, पर अभी भी हिम्मत को लाने के लिए 20 मिनट पड़े हैं। तो मैं नीचे जाके स्नैक खाने वाली हूँ, वो है बनाना। तो लेट्स गो डाउनस्टेयर नाउ, क्योंकि ऊपर वाला काम मैं कर लिया सारा खत्म और मुझे वीडियो को एडिट करना शुरू करना है। हाँ, मुझे मेरे ऑफिस की 5-7 चीज़ें करनी है, वो भी मुझे फिनिश करनी है। सो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ओह आई नीड टू क्लोज दिस थिंग। बैटरी लो, सिमर सिंक फ्रॉम डिस्कनेक्टेड, रेडी टू पेयर। बालों को स्टाइल करने के बाद लगता है कि जिंदगी काफी मैनेज हो गई है। जब बाल उलझे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जिंदगी भी उलझ गई है। और ये जो मैं बोल रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट की बातें बोल रही हूँ, लाइक कोई तेल की, कि ये तेल लगाओ और अपनी उलझी जिंदगी को सुलझा लो, पर ऐसा नहीं है। सो बनाना खाने वाली हूँ मैं। आई डोंट नो हिम्मत को क्या हो गया, वो बनाना नहीं खाता आजकल और मुझे कहता है कि मैं बनाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा और मेरे लंच बॉक्स में मत डालना। कह रही थी कि जब मैं उसको बनाना देती हूँ घर आके इतना गुस्सा होता है मेरे से और खा के नहीं आता और पूरा उसका बनाना खराब हो जाता है और घर आके गुस्सा होता है कि तुमने मेरे लंच बॉक्स में बनाना क्यों डाल दिया। और मैं कहूँगी कि अच्छा होता बनाना खाया करो। कह रहा है कि नहीं, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि बनाना मंकी खाता है, इसीलिए वो खाना उसने छोड़ दिया क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे कहा है मंकी बनाना खा। कह रहा मैं मंकी नहीं, 5 साल दी पिद्दी बनाना खाना छोड़ रही है, कह रही कि मंकी खाते हैं। क्रेजी हिम्मत। समय हो चुका है नन्नी पिद्दी हिम्मत को लाने का। जाते हैं, उसको लेके आते हैं और उसकी मजेदार स्कूल वाली कहानियां सुनते हैं। और आज वो काफी खुश होगा क्योंकि उसकी 2 छुट्टियां आ गई हैं सैटरडे संडे की। और मैं सोच रही हूँ कि उसको ला के एक नन्ना सा नैप हो जाए ना, मजा आ जाए, क्योंकि रात को हमें अच्छी नींद नहीं आई। हस्बैंड काफी ज्यादा कफ कर रहे थे और हिम्मत कह रहा कि डैडी यू आर से गो टू डिफरेंट रूम। कितना खराब है ना हिम्मत, क्योंकि जब हिम्मत बीमार होता है तो हस्बैंड उसे कहते हैं कि दूसरे रूम में सो, हमारे साथ मत सो। तो वो वैसा सेम बिहेव पति के साथ कर रहा था रात को, कह रहा कि उठ जाओ दूसरे रूम में सो हो तो ही, प्लीज योर सिक। ओके दोस्तों, तो मैं उसको लेके आती हूँ वापस। चंगा बाय। दिस क्रेजी गाइस होम। अब ये चीजें जगह जगह रखेगा, बंदा काफी सही है ये। ओके दोस्तों, तो हम जा रहे हैं हिम्मत की दोस्त के घर। बस से उतरते उसके साथ चिपक जाता है, वो भी चिपक जाती है। दोनों जाने ना ऐसे करते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि आज ले ही जाती हूँ मैं इसको उसके घर। सो या हम जा रहे हैं उसके घर। हमने उससे पूछा था फ़ोन करके कि आ जाए, एंड शी सेड प्लीज हिम्मत कम। Stop laughing. It's just a massive voice, everybody. You talk like this too. Yeah, to mama. I do like that. Hey, मैंने gummy bear के 2 लफाफे लिए हैं, एक उसके लिए, एक उसने लिए। This is mine. और अपना pick भी कर लिया उसने। I have mine and I have this. Mimi, you eat yours here, right here.
कह रहा कि मैं उसके घर जाके खाऊंगा कि डा चाह चढ़िया है नू। और मुझे लग रहा मैं करेले के जैसा स्मेल कर रही हूँ। आई होप भूमि की मम्मी बुरा नहीं मानेगी। भूमि से हाय एवरीबॉडी। नो इन द कैमरा से हाय गाइस। हाय। ओके नो नो दिस इज मम्मी। या दैट्स माय मॉम एंड दैट्स ही दैट्स मॉम एंड दैट्स माय डैड्स बैक हियर। डैडी इज इन कार। दिस इज योर मम्मी एंड दिस इज मी। ओह एंड दिस इज हु इज दीस टू गाइस। Who are these two guys? This is me. I'm playing with He-Man. And who is this small guy? This is Fred. So my mom is cooking. Oh, mom is in kitchen cooking. Okay. And Fred so yummy on it. Okay, mommy is making yummy food. Okay, good. And they are holding hands. Oh, look, they're holding it. So Bhumi is drawing beautiful house और मैंने उसको एक rose बना के दिया है and she's very happy and she's making her house glittery and he must busy with Bhumi's brother and Bhumi is happy. My house improved. It's white. प्यारी तेरे लिए चटनी बनाई है मैं। तेरी भी बना देनी किस दिन चटनी। ओके दोस्तों तो सोने का समय हो चुका है। मैं और हिम्मत बेड पे आ गए हैं। अब मैं और हिम्मत पढ़ेंगे बुक्स। सो हिम्मत पढ़ने वाला है चेस्टर्स बैग बुक जो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से लेके आया है। हिम्मत यू एक्साइटेड? बाय। नहीं लग रहा है। Any question, teacher? Wait, coming back here. Why is she wearing these clothes and what is this on the back, teacher? That's a ring. Mm-hmm. He used that in Christmas. Mm-hmm. And he's wearing any sort of clothes. Whoa! Why does the car ride right behind him? You see that? Yeah. In the end. Okay. Thank you, teacher. This is the best book. So, खा पी के हम पहुंच चुके हैं बेडरूम में। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर टीवी देखा। हस्बैंड अभी भी टीवी देख रहे हैं पर मैं और हिम्मत ऊपर आ गए क्योंकि कल रात को मुझे नींद बहुत अच्छी नहीं आई थी और मैंने सोचा। सो कल बहुत अच्छी नींद नहीं आई थी तो मैंने सोचा मैं जल्दी सो जाती हूँ। वैसे भी मैं थोड़ा मेडिटेट करना चाहती हूँ। हिम्मत को सुला के मैं स्लीप मेडिटेशन करूँगी अराउंड 10-20 मिनट्स फिर मैं सो जाऊँगी। और मैं आज एडिटिंग नहीं करना चाह रही हूँ रात को। यूजली मैं करती हूँ रात को इनके सोने के बाद पर आज नहीं मैं करने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे छुट्टी का दिन मनाना है। लाइक रिलैक्स करना चाहती हूँ। मैं मेरे माइंड को थोड़ा फ्रेश करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगी। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। The mouse is right here and then you turn around, the mouse is not right here.
He's right over there. So, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर आपने पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें. यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, एनीथिंग. बाय लालू. ओह नो, मीमी नीड टू से समथिंग. एवरीबॉडी, यू नो हूज अप देयर? It's just a mouse. Right here. Oh, it's a mouse, guys. And can you see? And he's hiding behind the cat. Yeah. Bye. Hi, guys. How are you? I am Hima's best friend. My name is Kiki. You guys like me? Bell and hit the subscribe button. Okay, everybody? Hit the button you like our channel. Okay? बेल को जरूर हिट करना. मीमी गुड जॉब. मीमी यू डूइंग ग्रेट. एंड लव आवर चैनल. बेल को हिट करो और हमारे चैनल को लव करो. एवरीबॉडी लाइक माय चैनल एंड हिट द बेल. ओके एवरीबॉडी एंड सब्सक्राइब मंकी चैनल. बाय. ओह मेरी पुत्ती है. कितना सिख दी रहनी पुत्ती. मंकी नो क्लोज इट. आई नो क्लोज इट. Yeah. It's okay. It's okay. It's okay.